जय माता दी गाइस, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा आपको इंस्पायर करने वाला है और आप ज़रूर इससे इंस्पिरेशन लेंगे और कुछ ना कुछ आप आज के ब्लॉग में ज़रूर सीख के जाएंगे, ये मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ। आज का ये जो ब्लॉग है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है और बहुत कुछ एक्चुअली में आपको सिखा के ज़रूर जाएगा, ये मैं आपको 100% बता रही हूँ। तो पूरा आप ब्लॉग ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताने वाली हूँ, एक ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी आपको बताऊँगी जिससे आप इंस्पिरेशन ज़रूर लीजिएगा। और कई लोग तो इससे इंस्पिरेशन ले भी चुके होंगे और ज़रूर कुछ अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन जो अभी नए हैं और जो स्टार्ट करने वाले हैं ब्लॉग्स, ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। आज मैं इस ब्लॉग में जो बात करने वाली हूँ वो ऐसे इंसान की बात करने वाली हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है और उनकी स्टोरी तो उससे भी ज़्यादा इंस्पायरिंग है और बहुत लोग इनसे आजकल प्रेरणा ले चुके हैं और कुछ तो ले भी रहे होंगे और कुछ लोग इनको अपना आइडल भी मानते हैं। तो ऐसे ही एक महत्वपूर्ण इंसान के बारे में मैं आपको इस ब्लॉग में आज बताने वाली हूँ, तो पूरा ब्लॉग आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि देखिए इनकी लाइफ की और इनकी जो स्ट्रगल की स्टोरी है वो आप जानेंगे और सुनेंगे और इनकी जो लाइफ की पूरी कहानी है वो आपको पता चलेगी, तो आप भी ये समझेंगे और कहीं ना कहीं आपको भी ये पता चलेगा कि कितनी मेहनत लगती है और कितना ज़्यादा स्ट्रगल छुपा है जहाँ पे इस समय आज वो हैं, उस जगह को पाने के लिए उन्होंने कितना ज़्यादा परिश्रम करा है। तो ज़रूर आप देखिएगा और सुनिएगा ज़रूर ये स्टोरी क्योंकि बहुत ज़्यादा ही, मतलब कहते हैं ना कि एक मोटिवेट करने वाली ये स्टोरी है कि हाँ आप भी इससे मोटिवेशन ज़रूर लेंगे कि आपको भी कुछ अच्छा करना है जैसे इन इंसान ने किया है। गाइस चलिए अपना व्लॉग जो है आज का स्टार्ट करते हैं, जिनके बारे में हमें बात करनी है चलिए उनके बारे में स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे फिर से कहूँगी जो हर वीडियो में कहती हूँ लेकिन कुछ लोग उसको फॉलो करते हैं कुछ लोग नहीं करते हैं, तो गाइस अगर आप चैनल पर नए हैं और ऐसे ही आप इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग सी दिलचस्प वीडियोज़ देखना चाहते हैं सो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो के नीचे अपना फीडबैक और कमेंट जरूर लिख के जाइएगा। तो देर नहीं करते हो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो आजकल इतने ज़्यादा फेमस हैं और मतलब उनके जैसा हर कोई बनना चाहता है, तो ज़्यादा मैं आपको सस्पेंस में नहीं रखती हूँ। मैं जो बात कर रही हूँ वो बात कर रही हूँ मनोज डे की। जी हाँ, मनोज डे व्लॉग्स जो कि एक टेक्निकल चैनल भी चलाते हैं, लेकिन हम जो बात करेंगे वो मनोज डे व्लॉग्स उनके उस चैनल को लेकर हम आज इस ब्लॉग में बात करेंगे। तो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, उनकी लाइफ की स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे उन्होंने एक टेक्निकल चैनल को अपना स्टार्ट कराई लेकिन साथ में उन्होंने व्लॉग्स वगैरह भी स्टार्ट कैसे करा और उनकी जो लाइफ थी कितनी स्ट्रगल भरी थी और उनको मतलब ये मुकाम आज जो उनको हासिल है तो यहाँ तक उनको आने के लिए कितना मतलब कठिन परिश्रम करना पड़ा, तो ये सारी चीज़ें आप लोग आज सुनेंगे। तो ज़रूर पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर आपको करेगी उनकी लाइफ की स्टोरी और आप भी उससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। इससे पहले हम बात कर लेते हैं जो मनोज डे का जन्म हुआ था वो हुआ था झारखंड राज्य के धनबाद ज़िले में। जी हाँ, उनका जन्म हुआ था धनबाद में और वो बहुत ही छोटा एक गाँव था। और मैं आपको बता दूं जो मनोज डे के पिता थे वो एक पंचर का काम करते थे, साइकिल बनाने का, साइकिल का पंचर वो बनाते थे और उनकी जो इनकम थी वो अगर आप सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि मतलब कि एक परिवार को चलाने के लिए और एक परिवार मतलब इतने से पैसे में कैसे अपना गुजारा करता होगा। तो मैं आपको बता दूं कि मनोज जी के फादर थे कि पहले तो वो पंचर का काम करते थे, साइकिल का पंचर बनाते हैं और उनको जो मंथली मिलती थी वो सिर्फ मिलता था 250 रुपये। जी 250 रुपये, सोचिए कि आज के टाइम में 250 रुपये में क्या मिलता है, क्या ज़रूरतें एक फैमिली की पूरी हो पाती होंगी 250 रुपये में। मनोज डे के परिवार में कुल 6 मेंबर्स हैं, सोचिए 250 रुपये, और 250 रुपये उनके फादर को मिलते थे और कहाँ 6 मेंबर्स उनके मतलब घर में रहते थे। और देखिए मतलब कि 250 रुपये में आजकल क्या होता है, लोग क्या लेते होंगे 250 रुपये में, तो मुझे तो सुन के ही नहीं समझ में आ रहा है कि 250 रुपये में वो अपना जीवन कैसे चलाते होंगे, क्या करते होंगे। लेकिन क्या हुआ कि मनोज जी ने जैसे तैसे अपना 10th पास करा, इतनी परेशानी और उनके फादर जो काम करते थे पंचर का उसमें उनको 250 रुपये मिलते थे, तो जैसे तैसे उनकी जो स्टडी वगैरह थी 10th की उन्होंने अपनी वो कंप्लीट की
और उसके बाद क्या होता है कि जैसे कि हर फादर के ये इच्छा होती है, हर पिता ये चाहता है कि उनका जो बेटा है, उनके जो बच्चा है, वो एक सरकारी नौकरी में, जी हाँ, एक सेटल्ड जो नौकरी मानी जाती है ना, जो कहते हैं कि सरकारी नौकरी होती है कि सरकारी नौकरी मिल गई तो एकदम लाइफ जो है वो सेट हो जाती है, तो वैसे ही उनके भी फादर का मतलब सोचना था कि एक अगर सरकारी नौकरी अगर मिल जाए मनोज डे को तो उनकी लाइफ भी एक अच्छी हो सकती है और जो परिवार की स्थितियाँ हैं वो भी सेटल हो जाएंगे। तो उन्होंने भी क्या कहा मनोज डे से कि वो क्या करें कि एक सरकारी नौकरी की एक प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें। कि टेंथ के बाद क्या होता है कि जैसे तैसे उन्होंने अपना ट्वेल्थ का मतलब अच्छे से एग्ज़ाम दे के एग्ज़ाम उनका क्लियर हो गया। ट्वेल्थ का भी उनको ट्वेल्थ में बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिले थे क्योंकि मनोज डे जो थे वो पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे थे और बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते थे। और जैसे तैसे क्या हुआ कि उनके फादर ने कहा कि तुम एक ITI का कोर्स कर लो, लेकिन क्या था कि ITI में भी क्या था कि फ़ीस जो थी वो 15,000 रुपये थी। तो उन्होंने अपने फादर से बताया कि उसमें 15,000 रुपये लगेंगे। तो जैसे तैसे ITI में उन्होंने एडमिशन ले लिया, थोड़े पैसे इधर से लिए, थोड़े पैसे उधर से लिए, कुछ जगहों से उन्होंने इधर उधर से पैसे अरेंज तो कर लिए ITI की जो फ़ीस थी उसके लिए। लेकिन उन्होंने जैसे तैसे ITI में एडमिशन ले भी लिया, पढ़ाई वगैरह अपनी स्टार्ट भी कर दी, लेकिन जो परिवार की स्थितियाँ थी वो मतलब वैसी की वैसी थी और दिक्कतें वैसी की वैसी थी। वही मैं आपको बताऊं कि उनकी दो बहनें भी हैं जिनकी बड़ी की एक शादी हो गई थी, जैसे तैसे बड़ी की शादी तो हो गई थी लेकिन अभी भी जो परिवार की मुश्किलें थी वो वैसी की वैसी बनी थी। और उन्हीं मुश्किलों के बीच में जो दूसरी बहन थी, छोटी बहन, उनकी शादी भी करनी थी। तो ये भी एक देखिए कितनी एक परिवार की कितनी दिक्कतें होती हैं, सोचिए आप, इमेजिन करिए अब क्या स्थितियाँ रही होंगी मनोज जी के घर की, जहाँ पर क्या है कि उनके फादर को पंचर बनाते हैं वो, और 250 रुपये देखिए उनकी सैलरी है, और 6 लोगों का परिवार है जिसमें से 2 बहन है और 2 बहन में से 1 बहन की देखिए शादी हो गई है बड़ी बहन की, लेकिन अभी भी छोटी बहन की शादी करनी है। लेकिन इतनी परेशानियाँ और इतनी दिक्कतें फैमिली में चल रही है, तो सोचिए कैसे क्या होगा, तो उस फैमिली की क्या सिचुएशन होगी। तो मनोज जी के साथ क्या हुआ कि जब उन्होंने अपना ITI कंप्लीट कर लिया, ITI की पढ़ाई उनकी कंप्लीट हो गई, तो उन्हें एक गुजरात की कपड़े की फैक्ट्री थी, गुजरात से उन्हें कॉल आया और उन्हें कपड़े की फैक्ट्री में जॉब मिल गई। तो वो क्या हुआ, वो जैसे तैसे अपना बैग वगैरह पैक करके गुजरात निकल गया और उस कपड़े की फैक्ट्री में उन्होंने जाकर देखा तो बहुत बड़ी बड़ी मशीनें वगैरह लगी थी जहाँ से मतलब कपड़े वगैरह बन रहे थे और काम वगैरह बड़ी बड़ी मशीनों पे हो रहा था। तो ये तो मतलब मनोज जी ने देखा तो उनको मतलब थोड़ा सा अचंभव लगा और थोड़ा सा हैरान हुई कि इतना मतलब इतना टफ काम, इतना मतलब जहाँ पे इतना ज़्यादा लोड है वर्क का और इतनी गर्मी है, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं, तो मतलब कैसे उसको ऑपरेट किया जाएगा, कैसे मतलब काम कैसे होगा, सबसे ज़्यादा तो उनको ये टेंशन थी। तो क्या हुआ कि जैसे तैसे उन्होंने 1 हफ्ते 7 दिन तक तो देखिए उन्होंने जॉब वाली करी कपड़े की फैक्ट्री में जो गुजरात से उन्हें कॉल आया था, लेकिन 7 दिन के बाद उन्होंने क्या ये निर्णय लिया, एक अपना डिसीज़न, फाइनल डिसीज़न आप कहिए कि उन्होंने लिया कि वो अपना बैग वगैरह पैक करके उनको ये जॉब नहीं करनी है क्योंकि उनसे होगा नहीं और बहुत ही ज़्यादा प्रेशर का ये काम है। तो उन्होंने क्या करा, 7 दिन बस जॉब करी और 7 दिन के बाद अपना बैग पैक करा और वो अपने घर वापस घर रिटर्न हो गए। उनकी मम्मी ने भी ये कहा कि भैया तुम आ जाओ, तुमसे ये सब जॉब नहीं होगी, ये सब काम नहीं होगा कि एक कपड़े फैक्ट्री में जो काम वगैरह उनको मिला है वो सब उनसे नहीं होगा। तो वो अपने घर लौट गए। फिर उन्होंने अपने घर लौटने के बाद क्या करा वो मैं आपको बताती हूँ। घर जब मनोज जी लौट चुके थे उसके बाद उन्होंने एक साइबर कैफ़े में उन्होंने जॉब करना स्टार्ट करा और साइबर कैफ़े में जो भी उनको पैसे मिलते थे उससे मतलब उससे भी ज़्यादा मतलब कुछ अच्छा नहीं चल रहा था मैटर। तो उन्होंने क्या करा कि बच्चों के ट्यूशन्स वगैरह वो लेने लगे, कोचिंग वगैरह पढ़ाने लगे। तो देखिए एक तो साइबर कैफ़े से उन्हें पैसा मिल रहा था थोड़ा बहुत जो भी, और एक उनको बच्चों की ट्यूशन से भी पैसा वगैरह मिल रहा था। तो दोनों मिला के उनका थोड़ा बहुत मतलब फैमिली का अच्छे से थोड़ा सा गुजारा चल रहा था, लेकिन फिर भी जो दिक्कतें थी और जो प्रॉब्लम्स वगैरह थी वो वैसे की वैसे ही बनी हुई थी। लेकिन फिर मनोज जी ने सोचा कि कुछ तो बड़ा करना होगा, कुछ तो मतलब ऐसा करना होगा जो ये सारी दिक्कतें हैं वो सब मेरे परिवार से मतलब दूर हों। देखिए जब एक दिन क्या हुआ, साइबर कैफ़े में मनोज जी जॉब कर रहे थे तो उनके सामने अचानक से एक वीडियो आया। उन्होंने खुद बताया ये चीज़ कि उनके सामने साइबर कैफ़े में एक वीडियो आया जहाँ पे ये लिखा था कि यूट्यूब से हाँ वीडियो बना के पैसा कमा सकते हैं। तो जब उन्होंने ये वीडियो देखा तो अचानक से उनके दिमाग में क्लिक करा और एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं भी ये यूट्यूब से काम अपना स्टार्ट करूं और वीडियोस वगैरह बना के मैं भी क्यों ना इस तरह से पैसे कमाऊं। तो ये एक उनको उस दिन कहते हैं ना कि टर्निंग पॉइंट उनकी लाइफ का था। तो ये चीज़ उनके दिमाग में एक आइडिया आया। तो उन्होंने भी क्या करा,
कि सबसे पहला उन्होंने क्या करा, एक म्यूज़िक चैनल खोला, जी हाँ, जिसमें उन्होंने क्या करा कि गिटार वगैरह बजा के उन्होंने गाना गाना शुरू करा। उनको थोड़ा सा म्यूज़िक वगैरह और गिटार वगैरह बजाने का भी शौक है, तो इसलिए उन्होंने सबसे पहला जो अपना चैनल क्रिएट करा था वो करा था एक म्यूज़िक चैनल, जिसमें क्या हुआ था कि उनके 30 सब्सक्राइबर जैसे तैसे हो गए थे, लेकिन 30 सब्सक्राइबर्स भी म्यूज़िक चैनल पर हो गए थे, लेकिन उतना अच्छा अभी भी रिस्पॉन्स उस चैनल को नहीं मिल रहा था। फिर देखिए, मतलब म्यूज़िक चैनल भी ओपन कर लिया, 30 सब्सक्राइबर भी हो गए, वीडियो वगैरह भी बना रहे, लेकिन अभी भी क्या था कि वो रिस्पॉन्स और वो चीज़ें मनोज जी को नहीं दिख रही थी, जिस वजह से उन्होंने यूट्यूब पर आए थे, वीडियोज़ वगैरह बनाना उन्होंने स्टार्ट करा था। तब जाकर उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि वो दूसरा चैनल बनाएंगे और कुछ दूसरा चीज़ करेंगे, क्योंकि देखिए परिवार से भी थोड़ा उनके ऊपर प्रेशर था कि कुछ तो करना है, तुम्हें जॉब वगैरह करनी है, अपने पैरों पे खड़े होना, क्योंकि देखिए परिवार की सिचुएशन ऐसी है, तो परिवार का भी उनके ऊपर प्रेशर एक कहते हैं ना वो था। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि अब म्यूज़िक चैनल्स को हटाओ किनारे, और उन्होंने एक नया चैनल, अपना दूसरा चैनल टेक्निकल मनोज नाम से खड़ा करा। बहुत से लोग जो उनको फॉलो करते हैं ये चीज़ें उन्हें पता होगी, उन्होंने म्यूज़िक चैनल के बाद अपना खड़ा करा एक चैनल जो कि था टेक्निकल मनोज नाम से। तो देखिए उस पर भी वो वीडियोज़ वगैरह डालते हैं टेक्निकल से रिलेटेड, उन्होंने वीडियोज़ वगैरह इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन वगैरह उन्होंने देना स्टार्ट करा, और जैसे तैसे वो वीडियोज़ वगैरह बनाते गए डे बाय डे, उनको उस चैनल पर रिस्पॉन्स वगैरह भी आने लगा। फिर क्या हुआ, उनका $80 उस चैनल पे बना था, सोचिए $80, यहाँ तो लोग मोनेटाइज भी नहीं कर पाते, उनका $80 बना और उनका परिवार, लेकिन उस समय क्या था कि उनके ऊपर एक प्रेशर था परिवार का कि ये वीडियोस वगैरह क्या बना रहे हो और मतलब इससे क्या होगा, एक नौकरी अच्छी वगैरह ढूंढो जहाँ से मतलब कुछ कमाओ वगैरह, ये सब उनके परिवार की थॉट थी, और मतलब ऐसा उनके ऊपर प्रेशर भी था कि वीडियोज़ वगैरह बना रहे लेकिन अभी भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो लोग उनको मतलब इस तरह से भी कहते थे। लेकिन फिर एक बार क्या हुआ कि मनोज जी ने अपनी फैमिली में कहा, अपनी मम्मी पापा से, देखिए चिंता मत करिए, मेरा $80 बन चुका है और मेरी अब यूट्यूब से पेमेंट आने वाली है। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही एक इनको ईमेल आया और उनको ये चीज़ पता चली कि उनका जो एडसेंस है वो डिसेबल कर दिया गया, तो अब वो शॉक्ड, क्योंकि उन्होंने फैमिली में क्या कहा था, अपने मम्मी पापा से ये कह दिया था कि देखिए आप बिल्कुल ही परेशान ना हुई, और मेरा $80 बन चुका है, पेमेंट मेरी फर्स्ट आएगी यूट्यूब से, तो हमारी जो थोड़ी प्रॉब्लम्स है वो थोड़ी कम होगी। लेकिन एडसेंस जो था उनका डिसेबल कर दिया गया था दूसरे चैनल का, तो सोचिए ये कितनी एक शॉकिंग खबर थी। तो काफ़ी टाइम तक तो मनोज जो मतलब एक शॉक में रहे और उनको एक सदमा सा कहिए लग गया था, लेकिन कई दिनों तक उन्होंने वीडियोस वगैरह वो नहीं बना पा रहे थे, उन्होंने नहीं बनाए वीडियोस वगैरह। फिर देखिए टेक्निकल मनोज जो उन्होंने चैनल दूसरा बनाया था उस पर उन्होंने इतना ज़्यादा मेहनत करा था, दिन रात एक करके उन्होंने $80 कमाए थे और पेमेंट भी आने वाला था, लेकिन पेमेंट जैसे आता लेकिन उससे पहले ही क्या हुआ कि उनका एडसेंस जो है वो डिसेबल कर दिया यूट्यूब ने। तो ये सोचिए किसी इंसान के लिए जो कि पेमेंट का इंतज़ार कर रहा है और उसका एडसेंस ही डिसेबल कर दें, तो कितना बड़ा एक शॉकिंग बात है। तो उसके बाद तो उन्होंने कई टाइम तक, बहुत दिनों तक, क्या महीनों तक उन्होंने क्या करा, वीडियोस वगैरह नहीं बनाए। लेकिन जब वो थोड़ा सा ठीक हुआ, उन्होंने सोचा कि वो अब अपना थर्ड चैनल स्टार्ट करेंगे जो कि है मनोज डे, जो इस समय वो रिसेंटली चला रहे हैं, जो सबके बीच है और जिस चैनल को देख के हर कोई मतलब चीज़ें सीखता है और बहुत कुछ उनसे अभी भी सीख रहा है और आगे भी सीखेगा। तो मनोज डे नाम जो चैनल इस समय चल रहा है नाम से, वो इनका थर्ड चैनल है। डे बाय डे क्या हुआ, उन्होंने वीडियो इस चैनल पे डालना शुरू करा और आज देखिए उनके मिलियंस में मतलब सब्सक्राइबर्स हैं और कितना अच्छा वो अर्न कर रहे हैं। और मनोज डे का ये जो चैनल था मनोज डे नाम का, ये 33,000 जब उनके सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए तब जाकर उनका ये चैनल मोनेटाइज हुआ, और उनका जो पहला पेमेंट आया था इस चैनल से वो आया था 14,000 रुपये का। तो देखिए ये एक छोटी सी जो मैंने आपको स्टोरी बताई मनोज डे की, कि उनके फादर कैसे एक पंचर बनाते थे, 250 रुपये की उनकी जॉब थी, फिर वो गए मतलब उन्होंने अपना ITI कंप्लीट करा, जैसे तैसे फीस का भी उनकी ITI का अरेंजमेंट इधर उधर से हुआ, और फिर उन्होंने क्या करा कि गुजरात की एक कपड़े की फैक्ट्री में जाके उन्होंने 7 दिन के लिए काम भी करा, लेकिन उनका वहाँ पे मन नहीं लगा। उनकी जो मदर थी उन्होंने भी कहा कि वापस आ जाओ भाई, और मतलब वहाँ पे तुम्हारा काम वगैरह नहीं मन लगेगा, तो वो वापस आके फिर उन्होंने म्यूज़िक का चैनल खोला, फिर टेक्निकल मनोज खोला दूसरा, उनका वो भी चैनल चला गया, एडसेंस जो है वो डिसेबल कर दिया गया। अब जाके उनका मनोज डे नाम का चैनल जो है वो अभी इतना अच्छा रन कर रहा है, लोगों को वो बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए जिस समय उन्होंने चैनल बनाया था तो इतना ज़्यादा यूट्यूब पे क्या था कि लोग सिखाने वाले नहीं थे, लेकिन आज देखिए मनोज डे हैं और भी बहुत सारे शिवो पॉल हैं,
टेक ऐश्वर्य हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिनसे लोग और भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं और अभी भी सीख रहे हैं। और इसी के साथ टेक्निकल चैनल तो मनोज जी चला ही रहे हैं, साथ में उन्होंने एक ब्लॉग चैनल भी स्टार्ट करा है जो कि बहुत ही अच्छा चल रहा है। ब्लॉगिंग में भी अब वो मतलब क्या बताएं, बहुत ही ज़्यादा माहिर हो चुके हैं, बहुत अच्छा ब्लॉगिंग भी करते हैं। तो देखिए मनोज जी कैसे उन्होंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी, कैसे पहले उन्होंने ब्लॉगिंग से पहले एक टेक्निकल चैनल स्टार्ट करा और अपने उस टेक्निकल चैनल के बाद उन्होंने ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करा। तो ये देखिए कितना एक उन्होंने संघर्ष करा और कितना स्ट्रगल भरा उनका जीवन था। तो गाइज आज के ब्लॉग में मुझे आपसे मनोज जी की इंस्पायरिंग स्टोरी शेयर करनी थी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो और आप मनोज जी को मतलब फॉलो करते हैं और मनोज जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं और उनके लिए दो शब्द आप ज़रूर कमेंट में लिखेगा, क्योंकि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उनकी हेल्प करते हैं और कैसे लोगों की मतलब उनको चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएँ जो उनको नहीं प्रोवाइड हुई हैं, इन्फॉर्मेशन वगैरह। तो ज़रूर आप मुझे बताइएगा गाइस आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको। होप आपको ब्लॉग पसंद आया हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर चैनल पर नए हैं, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।